बड़ी खबर आपको बता रहे, व्यास जी की तैयारी को लेकर कल आ सकता है फैसला। पूजा पाठ के अधिकार पर भी फैसला कल आ सकता है। तो याची ने पूजा पाठ का अधिकार मांगा है, तो कल दोपहर 2:30 बजे फैसला आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है, व्यास जी की तैयारी को लेकर कल फैसला आ सकता है। और इस पूरे मामले को लेकर विष्णु शंकर जैन से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो भी आपको सुना। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद अब ज्ञानवापी में तहखाने पर पूजा कर अधिकार पर अब कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं। विष्णु जी, जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आई और हिंदू मंदिर के साक्ष्य प्रमाण हो गए वैज्ञानिक तरीके से, अब जो तहखाने पर पूजा का अधिकार है उसको लेकर कोर्ट में क्या सुनवाई हुई आज? देखिये, हमने माननीय न्यायालय में बहुत पहले ही प्रार्थना पत्र दिया था कि जो व्यास परिवार का तहखाना है उस पर अंजुमन इंतजामिया कभी भी कब्जा कर सकता है, इसलिए डीएम वाराणसी को उसका रिसीवर नियुक्त किया जाए और साथ ही साथ वहां पे पूजा पाठ का आदेश दिया जाए। जो नंदी भगवान के ठीक सामने बैरिकेडिंग है उसको काट के वहां से गेट निर्मित किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 17 जनवरी 2024 को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने आदेश पारित किया कि वहां पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी उसका रिसीवर नियुक्त किया। पर जो हमारी दूसरी प्रार्थना थी, दूसरी प्रेयर थी कि वहां पे पूजा पाठ का आदेश दिया जाए, उस पर कोई आदेश नहीं आता। तो आज मैंने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया कि दूसरी जो प्रेयर है उस पर भी कोर्ट अपना आदेश पारित कर दे। और आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और कल की तिथि निर्धारित की है जजमेंट के लिए। बात की जाए तहखाने के दृष्टिकोण से, तो तहखाना इस ज्ञानवापी के पूरे स्वामित्व के अधिकार पर कितना मजबूत जो है साक्ष्य प्रमाण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर 1993 तक वहाँ पूजा हो रही थी। ऐसी कोई मस्जिद नहीं हो सकती है जिसके ग्राउंड फ्लोर में पूजा पाठ होती चली आए। वो पूजा पाठ एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का मिस उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वो पूजा पाठ रोक दी थी। और आज उसी इलीगल काम को हम रेक्टिफाई करने के लिए कोर्ट आए और ये मांग की है कि उस पूजा पाठ को पुनः स्थापित किया जाए, पूजा पाठ दोबारा शुरू की जाए। और कल हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तहखाने के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रमाण भी हैं जो कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म और साथ में जो मंदिर है उसके प्रमाण देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे तहखाने हैं जिसमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। हनुमान जी की मूर्ति मिली है, गणेश भगवान की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, एक अर्घा मिला है बिना शिवलिंग के, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, राम जी का लिखा हुआ पत्थर मिला है जिसमें भगवान राम लिखा हुआ ऐसा पत्थर मिला है, और भी क्या कहते हैं मछलियां मिली है, अलग अलग चिन्ह मिले हैं जो हिंदू मंदिर के चिन्ह होते हैं। तो दोनों और साथ ही साथ एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ये जो थ्योरी लोग कहते थे कि ये अकबर के समय की बनी हुई मस्जिद है, उस थ्योरी को डिमोलिश करता है क्योंकि उस पत्थर में लिखा हुआ है कि ये 1676 में औरंगजेब ने बनवाई, जिसका रिपेयर हुआ था 1792 में। इस शिलालेख को उन लोगों ने आधा तोड़ दिया था, आधा शिलालेख उन्हीं की मस्जिद से स्टोर रूम में बरामद हुआ एएसआई को। एएसआई के पास इसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ थी 1965 की, एएसआई नागपुर के पास, जिसका एएसआई ने ट्रांसलेशन और इंस्क्रिप्शन सारी बातें लगाई हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत ही कंक्लूसिव रिपोर्ट है और एएसआई ने वही बातें कही हैं जो वहां पे स्पॉट पे सच दिख रहा है। इस जो पूजा का अधिकार की बात कर रहे हैं आप, तो तहखाने में आप क्या पूजा का अधिकार नियमित रूप से रोज की मांग करते हैं? जी बिल्कुल, रोज की पूजा की, पूजा तो रोज हो ही रही थी और वो पूजा रोकी गई है, तो रोज पूजा का अधिकार की मांग कर रहे हैं। और ये मांग की है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे पूजा पाठ कराए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यासीन, वो कहते हैं कि हम वजूखाने का सर्वे तो कराने देंगे पर फव्वारा चालू करने की इजाजत दी जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फव्वारा चलाने की उनको इजाजत तब मिलेगी ना, पहले ये तय हो जाए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। आप हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हैं, आपने हमारे शिवलिंग को खंडित करने का काम किया, अब आप क्या कहते हैं, चाहते हैं कि पहले शिवलिंग बिना तय हुए फव्वारा चल जाए? तो वही तो ऐसा ही देखेगी, सारे दीवालों को तोड़ के उसके फीचर्स की स्टडी करेगी और ये समझ में आएगा कि वो कितने नीचे तक गया हुआ है। आप किसी शिवलिंग को तोड़ दें, उसको खंडित कर दें, उसमें 2.5 सेंटीमीटर का छेद कर दें, उसमें ऊपर से चक्री रख दें और कहे ये फव्वारा है, तो ये आपका नजरिया हो सकता है। पर जो सनातन नियम है वो यही है कि वो शिवलिंग है जो शिवलिंग बहुत नीचे तक गया हुआ है और उसकी जांच की हमने मांग की, तो पहले ये तय हो जाए कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अगर फव्वारा निकलेगा तो उनको हम क्या, हर आदमी उनको चलाने की इजाजत देगा? तो पहले इस बात के, इसके लिए तो इजाजत वो कोर्ट में कहें। वीडियो जर्नलिस्ट